नमस्कार और आप देखें पल पल। कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज चौधरी रणजीत सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए आज रानिया विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के साथ ही चौधरी रणजीत सिंह ने का पूरा परिवार वहां पर मौजूद था और उन्होंने रानिया से रिटर्निंग अधिकारी रंजीत राजेंद्र कुमार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन के बाद जीत का दावा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हालत वही होने वाली है जो बिहार और गुजरात में हुई। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने इनेलो में शामिल होने की चर्चा पर विराम लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला उनके बड़े भाई हैं और वे आज उनसे आशीर्वाद लेने वहां गए थे। उन्होंने कहा कि इनेलो द्वारा समर्थन देना या नहीं देना ये उनकी मर्जी है, लेकिन वे चुनाव के लिए हर किसी से समर्थन मांगेंगे जो उनका सहयोग करेगा। गौरतलब है कि नामांकन दाखिल करने से पहले सियासी ड्रामा देखने को मिला था। कुछ खबरें निकल पड़ी थी सोशल मीडिया पे कि रणजीत सिंह इनेलो में शामिल हो गए हैं। अभय चौटाला के सोशल हैंडल पर फोटो के साथ लिखा गया था कि रणजीत सिंह इनेलो में शामिल हो चुके हैं। ये खबर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही रणजीत सिंह ने यू टर्न लिया और रणजीत सिंह ने कहा कि वे बड़े भाई से मिलने के लिए वहां गए थे, इनेलो ज्वाइन करने नहीं। रणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, इनेलो में शामिल होने के लिए नहीं गए थे। मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। किसी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जाड़ी की विशेष रिपोर्ट। नहीं, मैं ऐसा है, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं और पिताजी नहीं है तो उनके बाद मैं उन्हें पिता की तरह समझता हूँ। उनका पारिवारिक आशीर्वाद लेने गया था, बड़े भाई का आशीर्वाद लेने गया था। राजनीति अलग चीज़ है, मैंने कई बार ये बातें कही हैं। मैं सब परिवार में था, हम इकट्ठे थे, चाय भी इकट्ठी भी सब किया, उनसे एक पारिवारिक राजनीतिक आशीर्वाद उनका अपने तरीके का होता है। मैं उनसे पारिवारिक आशीर्वाद बड़े भाई के नाते, वो मेरे पिता के समान, मैं उनसे मिलने गया। तो सब इन्हें लोग देखिए, उनका फैसला भी बहुत बातें हैं, क्योंकि मेन मकसद जो सबका सामने है वो कांग्रेस और बीजेपी को हराने का है। अब उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये उनका नजरिया है, मैं तो हर एक एक वोटर का समर्थन मांगूंगा, मुझे करना भी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने खुद शेयर किया था कि आप आईएनडी में शामिल हो गए हैं। मैं गया हूँ उनके पास, मैंने आपसे बताया मैं बड़ा भाई है उनके पास गया था, मेरे पिता के समान है, मैं हम दो ही भाई हैं, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था उनका। वो है कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा ये मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरा कोई आज ज्वाइन करने का नहीं था। परसों रात को 10:30 बजे मेरा टिकट कटने का अनाउंस हुआ। वर्कर बहुत डिप्रेशन में था कि रणजीत सिंह की सरसा में रणजीत सिंह की टिकट नहीं, कांग्रेस को जिंदा वो रखता। आपने देखा 50,000 की भीड़ में करता हूँ, कोई नहीं करता। वर्करों में बड़ा रोष था, रात को ये था कि कैंसिल हो गया, अब रणजीत सिंह फाइल ही नहीं करेंगे। पर पोस्ट डली सब 10,000 से ज़्यादा वर्कर सब, आपने देखा रिकॉर्डेड है कल का, 10,000 वर्कर इकट्ठा हो। मैंने कहा भी तुम बताओ मैं राजनीति छोड़ दूँ, तो वर्कर कहने का नहीं रणजीत सिंह कांग्रेस ने मारा ना, हम जिंदा करेंगे, चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं, सब साफ कर देंगे। और वर्कर ने कहा कि तुम क्या किस बात से कैसा फैसला करो, कहते आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, इन्हें लोग कैसे करेंगे। टिकट कटने की वजह कही रही है, अब उन पर क्यों हम पे गड़े हुए मुर्दे क्यों बाहर निकालें। देखिए वहाँ कांग्रेस में पैसा बहुत चला है, सबको पता था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, और उसके बाद हर आदमी पैसा बनाने में लगा था। मैं हाईकमांड के किसी आदमी को ना ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे लिए गए हैं, किसी ने 50 लाख लिए, किसी ने 2 करोड़ लिए, सब ने टिकटें भी की है। और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की टिकट तो मैक्सिमम रुपया बट है, बहुत मोटा पैसा उन पर गया है। कुछ खुलासा और कांग्रेस का नाश होने का, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं एक ही कह रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस गुजरात और बिहार जैसी बना देंगे या कांग्रेस जीरो करके छोड़ेंगे। सरसा की 5 सीटों पर मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कांग्रेस को नहीं आने दो। नहीं, मैं ऐसा है, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं और पिताजी नहीं है तो उनके बाद मैं उन्हें पिता की तरह समझता हूँ। उनका पारिवारिक आशीर्वाद लेने गया था, बड़े भाई का आशीर्वाद लेने गया था। राजनीति अलग चीज़ है, मैंने कई बार ये बातें कही हैं। मैं सब परिवार में था, हम इकट्ठे थे, चाय भी इकट्ठी भी सब किया, उनसे एक पारिवारिक राजनीतिक आशीर्वाद उनका अपने तरीके का होता है। मैं उनसे पारिवारिक आशीर्वाद बड़े भाई के नाते, वो मेरे पिता के समान, मैं उनसे मिलने गया। तो सब इन्हें लोग
देखिए उनका फैसला भी बहुत बात है, क्योंकि मेन मकसद जो सबका सामने है वो कांग्रेस और बीजेपी को हराने का है। अब उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये उनका नजरिया है, मैं तो हर एक एक वोटर का समर्थन मांगूंगा, मुझे करना भी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने खुद शेयर किया था कि आप आईएनएलडी में शामिल हो गए हैं। मैं गया हूँ उनके पास, मैंने आपसे बताया मैं बड़ा भाई है उनके पास गया था, मेरे पिता के समान है, मैं हम दो ही भाई हैं, तो मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था उनका। वो है कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा ये मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरा कोई आज ज्वाइन करने का नहीं था। मतलब परसों रात को 10:30 बजे मेरा टिकट कटने का अनाउंस हुआ, वर्कर बहुत डिप्रेशन में था कि रणजीत सिंह की सरसा में रणजीत सिंह की टिकट नहीं, कांग्रेस को जिंदा वो रखता। आपने देखा 50,000 की भीड़ में करता हूँ, कोई नहीं करता। वर्करों में बड़ा रोष था, रात को ये था कि कैंसिल हो गया, रणजीत सिंह फाइल ही नहीं करेंगे। पर पोस्ट डली सब 10,000 से ज्यादा वर्कर, सब आपने देखा रिकॉर्डेड है कल का, 10,000 वर्कर इकट्ठा हो। मैंने कहा भी तुम बताओ मैं राजनीति छोड़ दूं, तो वर्कर कहने का नहीं रणजीत सिंह कांग्रेस ने मारा ना, हम जिंदा करेंगे, चिंता ना कर हम तेरे साथ हैं, सब साफ कर देंगे। और वर्कर ने कहा कि तुम क्या किस बात से कैसा फैसला करो, कहते आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, इन्हें लोग कैसे टिकट कटने की वजह कही रही है, अब उन पर क्यों हम पे गड़े हुए मुर्दे क्यों बाहर निकाले। देखिए वहाँ कांग्रेस में पैसा बहुत चला है, सबको पता था कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, और उसके बाद हर आदमी पैसा बनाने में लगा था। मैं हाईकमांड के किसी आदमी को ना ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे लिए गए हैं, किसी ने 50 लाख लिए, किसी ने 2 करोड़ लिए, सब ने टिकटें भी की है। और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की टिकट तो मैक्सिमम रुपया बटा है, बहुत मोटा पैसा उन पर गया है। कुछ खुलासा और कांग्रेस का नाश होने का, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं एक ही कह रहा हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस गुजरात और बिहार जैसी बना देंगे या कांग्रेस जीरो करके छोड़ेंगे। सरसा की 5 सीटों पर मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कांग्रेस को नहीं आने दूंगा।